तो दोस्तों आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इंस्टीट्यूट कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं, यानी कि कंप्लीट ऑल मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि यहां पर मैं आपको कंप्लीट ऑल मॉड्यूल्स जो भी कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में यूज होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों हमारे सामने ये कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का जो एडमिन पैनल का लॉगिन क्रेडेंशियल्स वाला विंडो है, ये ओपन होकर के आ गया है। यहाँ पर हम एडमिन पैनल का लॉगिन क्रेडेंशियल्स देंगे और उसके बाद हम एडमिन डैशबोर्ड में एंटर कर जाएंगे। और आज के इस वीडियो में आपको पता ही है कि हम जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में, उन सारे मॉड्यूल्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। एक एक मॉड्यूल क्यों यूज होता है, कैसे उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि फ्रंट ऑफिस का क्या यूज होता है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में क्या चीजें हो सकती हैं, फीस कलेक्शन में क्या चीजें हो सकती है, तो सारे मेन्यूज को, सारे मॉड्यूल्स को भी देखेंगे प्रैक्टिकली, और फिर उसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्या क्या चीजें उसमें हो सकती है, वो सब कुछ जानेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम जल्दी से यहाँ पर अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स एंटर करते हैं लाइक दिस, और यहाँ पर हमें ये कैप्चा कोड मेंशन करना होगा। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं, कैप्चा कोड एंटर करने के बाद हमें साइन इन पे क्लिक करना होगा। और ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे सामने कंप्लीट कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड ओपन होकर के आ गया है। और दोस्तों इसके पहले वीडियो में हमने ऑलरेडी आपको इसका ओवरव्यू, इसके बारे में सब कुछ बताया हुआ है। इवन लाइव क्लाइंट के साथ हम लोग जो सपोर्ट एंड सर्विस देते हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनके साथ कैसे हम सपोर्ट एंड सर्विस देते, सारी चीजें हमने पहले के वीडियोस में डिस्कस की हुई है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम हर एक मॉड्यूल्स का डिटेल में देख लेते हैं। तो दोस्तों कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में जो सबसे फर्स्ट मॉड्यूल आता है वो आता है फ्रंट ऑफिस का। और दोस्तों ये फ्रंट ऑफिस का मॉड्यूल इसलिए रहता है सो दैट कि आप रिसेप्शन का काम या फ्रंट ऑफिस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं लाइक इंक्वायरीज, कॉल्स, या फिर जो विजिटर्स आते हैं, या फिर जो पोस्टल सर्विसेज आप डिस्पैच करते हैं या रिसीव करते हैं, इन सब सर्विसेज के लिए हम लोग फ्रंट ऑफिस मॉड्यूल का यूज करते हैं। और इसको कैसे परफॉर्म करेंगे इसके बारे में भी हम डिटेल में आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के इस वीडियो में फिलहाल जितने भी मॉड्यूल्स हैं उसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। तो फ्रंट ऑफिस के बाद जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल आता है वो आता है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का। और दोस्तों यहां पर आप क्लियरली देख ही सकते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन वाला जो मॉड्यूल है इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं, जैसे कि स्टूडेंट डिटेल्स, एडमिशन, और ये सब चीजें बेसिकली यूज होता है स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे स्टूडेंट का प्रोफाइल, स्टूडेंट का एडमिशन, स्टूडेंट की हिस्ट्री, ये सब देखने के लिए। और साथ ही साथ जो हमारे कॉलेज का वेबसाइट होता है वहां से अगर हमारे पास कोई ऑनलाइन एडमिशन आता है तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं ऑनलाइन एडमिशन का भी। तो वहां पर ना लाइक आप ऑनलाइन एडमिशन से भी सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन मॉड्यूल में स्टूडेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है वो सारी चीजें कवर अप होंगी। और नेक्स्ट जो हमारे पास मॉड्यूल है वो है फीस कलेक्शन से रिलेटेड। बेसिकली क्या होता है कि फीस कलेक्शन में हमें स्टूडेंट का फीस कलेक्शन मैनेज करना होता है, और जो भी फीस के मास्टर होते हैं वो हमें क्रिएट करने होते हैं। फीस मास्टर कहने का मतलब ये होता है कि लाइक आपके एडमिशन फीस होते हैं, सेमेस्टर फीस होते हैं, इसके अलावा भी आपके अदर फीस होते हैं, तो वो कॉलेज और इंस्टीट्यूट या फिर आपके यूनिवर्सिटी में कौन कौन से फीस मास्टर है वो सारा कुछ हम यहीं पर क्रिएट करेंगे। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर सारी चीजें देख सकते हैं कि किन बच्चों का फीस ड्यूज में है, जैसे कि यहाँ पर आप ये ऑप्शन देख सकते हैं कि सर्च ड्यूज फीस, तो जिन बच्चों का फीस ड्यूज रहेगा वो आपको यहाँ पर शो होगा, यहाँ पर फीस मास्टर का ऑप्शन है। इसी तरह से हम अलग अलग फीस ग्रुप, फीस टाइप, और अगर कुछ फीस में स्पेशल डिस्काउंट हमें प्रोवाइड करानी है तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। तो फीस से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज यहाँ पर परफॉर्म होंगी, और फीस के जो रिपोर्ट्स होंगे वो सारी चीजें भी हम यहीं पर परफॉर्म करेंगे। और यहाँ पर आपको कलेक्ट फीस का ऑप्शन मिल ही रहा है, तो कलेक्ट फीस में क्या होता है कि बेसिकली यहां से आप जो भी बच्चे फीस सबमिट करेंगे वो आप यहां पर मैनेज करेंगे। उसके बाद हमारे पास कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में जो नेक्स्ट मॉड्यूल आता है वो आता है इनकम का।
दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो इनकम मॉड्यूल होता है कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में, ये बेसिकली सारे इनकम को मैनेज करता है, जो कि फीस कलेक्शन के अलावा, यानी कि फीस कलेक्शन के अलावा जो भी आपका कॉलेज या इंस्टीट्यूट इनकम जनरेट करता है वो सारे इनकम ही हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे कि अगर आप कोर्सेज के साथ कुछ बुक्स सेल कर रहे हैं, या फिर आप कुछ ड्रेस सेल कर रहे हैं, या इसके अलावा कोई एक्सेसरीज सेल कर रहे हैं, तो उससे जो आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट की रेवेन्यू जनरेट होती है, इनकम जनरेट होती है, तो वो हम इनकम मॉड्यूल में मैनेज करेंगे। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो मॉड्यूल आता है वो आता है एक्सपेंसेस का। और एक्सपेंसेस का मॉड्यूल होना किसी भी सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके कॉलेज में, आपके इंस्टीट्यूट में जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो सारा कुछ मैनेज आप यहीं पे करेंगे। तो बेसिकली इसलिए तो दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये पूरी तरह से कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। यहाँ से आप सब कुछ प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। हमने बहुत जगह पे थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स हमारे क्लाइंट्स है कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के, और वो लोग इसको बहुत ही प्रॉपर वे में यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि सारे मॉड्यूल्स कितने प्रॉपर वे में वर्क कर रहे हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है अटेंडेंस सिस्टम का। तो ये जो अपना अटेंडेंस मॉड्यूल होता है, ये होता है फॉर मैनेजिंग स्टूडेंट अटेंडेंस एंड अटेंडेंस रिपोर्ट। ऑलराइट, हम आगे बढ़ेंगे और हमारे पास जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है एग्जामिनेशन का। तो ये एग्जामिनेशन का मॉड्यूल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जामिनेशन मॉड्यूल में आप देख ही सकते हैं कि हमारे पास कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि एग्जाम ग्रुप, एग्जाम शेड्यूल, एग्जाम रिजल्ट, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड को प्रिंट करना, यानी कि स्टूडेंट जब अपना लॉग इन पैनल से एंटर करेगा डैशबोर्ड में, तो स्टूडेंट बहुत ही आसानी से एडमिट कार्ड को प्रिंट कर सकता है या फिर डाउनलोड कर सकता है। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि आप एग्जामिनेशन मॉड्यूल से बहुत ही इजी वे में जो भी आपका कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट जो एग्जाम कंडक्ट कर रहा है वो सारी चीजों को, एग्जाम को आप यहां पे क्रिएट कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं एग्जाम को, और जो एग्जाम के जो मार्क्स आते हैं उसकी एंट्री हो सकती है, मार्क्स के जो ग्रेडिंग सिस्टम होते हैं वो सारी चीजें आप यहां पे परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो भी कॉलेज और इंस्टीट्यूट कंडक्ट करती है वो सारा कुछ आप यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन में मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है लेसन प्लान का। और ये जो लेसन प्लान का मॉड्यूल होता है, ये बेसिकली मैनेजिंग सब्जेक्ट स्टेटस और लेसन प्लान के लिए ये बनाया जाता है। तो यहाँ से आपके कॉलेज इंस्टीट्यूट में जो भी कोर्सेस हैं, उस कोर्सेस का क्या लेसन प्लान है, उसका क्या स्टेटस है, सारा कुछ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और आने वाले नेक्स्ट वीडियोज में हम सारे मॉड्यूल्स पे वर्क करेंगे और सारी चीजें क्रिएट करके आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है एकेडमिक्स का। एकेडमिक्स मॉड्यूल किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एकेडमिक्स में क्या होता है कि आप जितने भी पैरामीटर्स होते हैं जो मास्टर डेटा से रिलेटेड होता है वो आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। अब जैसे कि जो कॉलेज के क्लासेस हैं, जो कोर्सेस आप परफॉर्म कर रहे हैं, वो चीजें यहाँ पर मैनेज होंगी। सेकेंड थिंग जो आता है कि जो आप कोर्सेस लॉन्च कर रहे हैं उसके कितने सेक्शंस हैं, नंबर ऑफ सेक्शंस यहाँ पर मैनेज होता है। उसके बाद जो सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है, जो सब्जेक्ट्स हर एक कोर्सेज के लिए अलग अलग होते हैं, वो चीजें आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ जो फैकल्टी होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो किस सब्जेक्ट के लिए असाइन होंगे वो हम एकेडमिक से ही करेंगे, या फिर कौन सा फैकल्टी किस कोर्स के लिए असाइन होंगे वो सारा कुछ हम यहाँ पर मैनेज करेंगे। और दोस्तों इसके साथ साथ क्लास का टाइम टेबल, और अगर स्टूडेंट्स को प्रमोट करना हो अपर क्लास में, अपर कोर्सेस में, तो ये सारा कुछ एकेडमिक सेशन में परफॉर्म होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास मॉड्यूल है वो है ह्यूमन रिसोर्स का। ये एचआर का मॉड्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रिलेटेड टू आवर स्टाफ्स। क्योंकि क्या है ना दोस्तों कि ये जो ह्यूमन रिसोर्स एचआर का जो मॉड्यूल होता है, ये बेसिकली रिलेटेड टू होता है आपके स्टाफ मेंबर्स के लिए, आपके एम्प्लॉयज के लिए, जहां पर दोस्तों आप अपने स्टाफ के, अपने एम्प्लॉय के सारे प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं, उनके अटेंडेंस को, उनका पेरोल सिस्टम, उनकी लीव, कितने उन्होंने लीव्स लिए, वो लीव अप्रूव्ड हुए या नहीं हुए, उनके डिपार्टमेंट्स, डेजिग्नेशन, सारा कुछ आप यहां पर एचआर सिस्टम में मैनेज कर सकते हैं। और यहां पर आप देख ही सकते हैं कि एचआर में आपके पास सारे मेन्यूज अवेलेबल है, जैसे कि स्टाफ डायरेक्टरी, स्टाफ अटेंडेंस, पेरोल, अप्रूव लीव रिक्वेस्ट, अप्लाई लीव, लीव टाइप, टीचर्स रेटिंग, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, डिसेबल्ड स्टाफ, अगर कोई स्टाफ यहाँ से कॉलेज से छोड़ करके चले गए हैं तो उनको हम यहाँ से डिसेबल्ड कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको इस मॉड्यूल में मिल जाएगा।
तो नेक्स्ट हमारे पास जो मॉड्यूल है वो है कम्युनिकेट का। कम्युनिकेट का मॉड्यूल बेसिकली काम करता है नोटिस बोर्ड के लिए, एक कम्युनिकेशन के लिए जो कि आप अपने स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ, या फिर फैकल्टीज के साथ, या फिर आप अपने स्टाफ के साथ एक कम्युनिकेशन मैनेज कर सकते हैं। यहां से आप अपना नोटिस बोर्ड मैनेज कर सकते हैं, उनको ईमेल या फिर एसएमएस भी डायरेक्टली कर सकते हैं, या फिर एक साथ आप सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स या फिर फैकल्टीज को एसएमएस कर सकते हैं। सारे ऑप्शन बहुत ही डिटेल्ड में बने हुए हैं, जैसे कि अगर यहां पर हम सेंड एसएमएस पे क्लिक करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आप मैसेज को स्टूडेंट्स को भी शेयर कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि सारे लोगों को एक साथ एसएमएस जाए तो यहाँ पर आप ये टिक मार्क करके परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पर एसएमएस का टाइटल, टेम्पलेट आईडी और यहाँ पर मैसेज हमें ड्रॉप करना होता है, उसके बाद यहाँ पर हमें सेंड पे क्लिक करना होता है। तो ये ऑप्शन आपको कम्युनिकेशन वाले मॉड्यूल में मिल जाएगा, जहां पर आप नोटिस बोर्ड से लेकर सारी चीजें एक जगह पर मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है डाउनलोड सेंटर का। तो डाउनलोड सेंटर में आप देख ही सकते हैं कि आपके जो भी कंटेंट अपलोड करने के लिए वो आप यहाँ पर अपलोड कंटेंट से कर सकते हैं। असाइनमेंट है, स्टडी मटेरियल है, सिलेबस है और अदर डाउनलोड्स का ऑप्शन है। तो बेसिकली डाउनलोड सेंटर का काम क्या है कि टू मैनेज ऑल द डाउनलोडेबल डॉक्यूमेंट्स, लाइक कि बच्चों का असाइनमेंट्स, स्टडी मटेरियल्स, सिलेबस और जितने भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जो बच्चों या फिर टीचर्स के साथ हमने शेयर करना है, तो वो हम डाउनलोड सेंटर में मैनेज कर सकते हैं और वहां से स्टूडेंट्स या फैकल्टीज उस डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि हमारे पास यहाँ पर कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में दो मॉड्यूल और हैं, जो कि है जूम लाइव क्लासेस और गूगल मीट लाइव क्लासेस से रिलेटेड। तो यहाँ पर जूम लाइव क्लासेस में क्या होता है कि स्टूडेंट्स और जो आपके स्टाफ हैं वो डायरेक्टली लाइव मीटिंग्स परफॉर्म कर सकते हैं। सेम इसी तरह से गूगल मीट लाइव क्लासेस में भी जो आपके स्टूडेंट्स हैं और या फिर आपके जो स्टाफ हैं वो लाइव क्लासेस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस भी आपको कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट जो हमारे पास मॉड्यूल है वो है होमवर्क का। तो होमवर्क का मतलब ये है कि लाइक जो आपके फैकल्टीज हैं, जो आपके टीचर्स हैं, वो होमवर्क दे सकते हैं और उसको एवेल्युएट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मॉड्यूल है वो है लाइब्रेरी का। तो आपके कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में जितने भी नंबर ऑफ बुक्स हैं सबको आप यहाँ पर प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज और मैनेज कर सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है इन्वेंटरी सिस्टम का। तो इन्वेंटरी सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि जो आपके कॉलेज के एसेट्स होते हैं विथ स्टॉक, सब कुछ आप इन्वेंटरी मॉड्यूल में मैनेज कर सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल में क्या होता है कि रूट्स और उनके जो फेयर्स होते हैं वो सारी चीजें आप ट्रांसपोर्ट में मैनेज कर सकते हैं। तो लाइक अगर कोई स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यूज कर रहा है तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में उसकी हर एक रूट्स के अलग अलग फीस होते हैं, तो वो फीस ऑटोमेटिक स्टूडेंट के जो चार्जेस होते हैं उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये रूट्स और उनके जो अलग अलग फेयर्स हैं वो सारा कुछ मॉड्यूल जो हम मैनेज करेंगे वो हम ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल में करेंगे। और दोस्तों मैंने आपको बताया ही था कि जो कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का जो डैशबोर्ड है वो अपने आप में ही पूरा कंप्लीट डैशबोर्ड है। जैसे यहाँ आपको ना, जब आप एंट्रीज करेंगे आप अपने बच्चों के जो भी आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट में है, तो उनके सारे डिटेल्स आपको यहाँ मेन एडमिन डैशबोर्ड में ही देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, हमारे पास जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है हॉस्टल मॉड्यूल का। तो हॉस्टल वाले मॉड्यूल में भी हम पूरे हॉस्टल को मैनेज कर सकते हैं, लाइक हॉस्टल में कितने सारे रूम्स हैं, उसमें कौन कौन से बच्चे असाइन हैं, उनका क्या फेयर है, हॉस्टल का क्या फेयर है, सारा कुछ मैनेज हम इस हॉस्टल मॉड्यूल में करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो मॉड्यूल है वो है सर्टिफिकेट का। तो सर्टिफिकेट में बेसिकली क्या है, यहाँ पर आप मेन्यूज देख सकते हैं, स्टूडेंट सर्टिफिकेट, जनरेट सर्टिफिकेट, स्टूडेंट आईडी कार्ड, इन सब चीजों से रिलेटेड है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि आप अपने स्टूडेंट्स का डिजाइन और स्टूडेंट्स का सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं विद आईडी कार्ड। तो सारे सॉल्यूशंस यहाँ पे अवेलेबल है, सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आप देख ही सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है फ्रंट सीएमएस का। फ्रंट सीएमएस का मतलब होता है कि लाइक जो आपकी वेबसाइट है, जो आपकी कॉलेज मैनेजमेंट की वेबसाइट रन हो रही है, उसको आप डायरेक्टली यहां से मैनेज कर सकते हैं। लाइक दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो आपके कॉलेज की वेबसाइट है, जहां पर आपको पेजेस क्रिएट करने होते हैं, मेन्यूज बनाने होते हैं, इवेंट्स, गैलरी, कोई न्यूज देना हो, कोई नोटिस बोर्ड असाइन करना हो, सारा काम आप फ्रंट सीएमएस से करेंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके कॉलेज का सारा डिटेल जो है वेबसाइट में रिफ्लेक्ट होगा।
तो ये कॉलेज में जो आपको मेन्यूज, फोन नंबर्स और ये हमारे पास जो हेडर मेन्यूज हैं, इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए आप यहाँ पर फ्रंट सीएमएस से परफॉर्म कर सकते हैं। और ये जो वेबसाइट है कॉलेज की, ये पूरी तरह से कस्टमाइजेबल होता है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि फ्रंट सीएमएस में इवेंट्स, गैलरी, न्यूज, मीडिया मैनेजर, पेजेस, मेन्यूज, बैनर इमेजेस, सब कुछ ए टू जेड सारी चीजें आप डायनेमिकली यहां से क्रिएट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास मॉड्यूल है वो है एल्यूमिनाई का। एल्यूमिनाई में बेसिकली क्या होता है कि आप मैनेज कर सकते हैं ऑल पास आउट स्टूडेंट्स को, या फिर एल्यूमिनाई रिकॉर्ड्स एंड इवेंट्स को, सब कुछ यहां पर आप मैनेज कर सकते हैं। और हमारे पास जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है रिपोर्ट्स का। और जो यहाँ पर हमारे पास रिपोर्ट्स का मॉड्यूल है, ये पूरी तरह से कंप्लीट मॉड्यूल है। हर एक चीज का आपका प्रॉपर रिपोर्ट्स जनरेट होता है और हर एक रिपोर्ट बहुत ही डिटेल्ड में है। जैसे कि अगर आप रिपोर्ट्स स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन का देखना चाहते हैं, तो बस आपको स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट रिपोर्ट का, जैसे कि स्टूडेंट रिपोर्ट, स्टूडेंट हिस्ट्री, एडमिशन रिपोर्ट, होमवर्क एवोल्यूशन रिपोर्ट, क्लास एंड सेक्शन रिपोर्ट, स्टूडेंट का लॉगिन क्रेडेंशियल, सिबलिंग रिपोर्ट्स, स्टूडेंट जेंडर रेशियो रिपोर्ट, गार्जियन रिपोर्ट, क्लास सब्जेक्ट रिपोर्ट, स्टूडेंट प्रोफाइल, स्टूडेंट टीचर रेशियो रिपोर्ट। तो इस तरह से इतनी डिटेल में हमारे पास रिपोर्टिंग सिस्टम है। सेम इसी तरह से आप फाइनेंस में भी देख सकते हैं कि फाइनेंस में भी आपको बहुत ही डिटेल्ड में रिपोर्ट देखने को मिलेगा, जैसे बैलेंस फीस स्टेटमेंट, बैलेंस फीस रिपोर्ट, इनकम रिपोर्ट, इनकम ग्रुप रिपोर्ट, डेली कलेक्शन रिपोर्ट, फीस कलेक्शन रिपोर्ट, एक्सपेंस ग्रुप रिपोर्ट, फीस का क्या स्टेटमेंट है, ऑनलाइन फीस कलेक्शन रिपोर्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में आपको एक मॉड्यूल मिलता है जहां पर स्टूडेंट्स या पेरेंट्स ऑनलाइन फीस सबमिट कर सकते हैं, और वो जैसे ही ऑनलाइन फीस सबमिट करते हैं, आपका वो फीस कलेक्शन का रिपोर्ट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर पेरोल रिपोर्ट है, जो आप अपने स्टाफ, अपने एम्प्लॉइज, अपने टीचर्स को जो आप पे करते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं और उसका रिपोर्ट बेसिकली यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं, जैसे का नेम, रोल नंबर, डेजिग्नेशन, पे स्लिप, बेसिक सैलरी, अर्निंग, डिडक्शन, ग्रॉस सैलरी, टैक्स, नेट सैलरी। और इसका आप पीडीएफ फाइल भी जनरेट कर सकते हैं, एक्सेल फाइल भी जनरेट कर सकते हैं, इसकी कॉपी एक अपने पास रख सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही डिटेल्ड में रिपोर्ट्स है हमारे पास। इसी तरह से आप अटेंडेंस पे रिपोर्ट्स देख सकते हैं, अटेंडेंस पे भी आपको पीरियड वाइज अटेंडेंस रिपोर्ट, स्टूडेंट पीरियड अटेंडेंस, स्टाफ अटेंडेंस रिपोर्ट, बायोमेट्रिक को अगर आप असाइन करते हैं तो बायोमेट्रिक का अटेंडेंस मैनेज भी आप यहां से प्रॉपर वे में कर सकते हैं उसके लॉग सिस्टम को। इसी तरह से आप देख ही सकते हैं कि रिपोर्ट्स कितना डिटेल में, एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, लेसन प्लान, ह्यूमन रिसोर्स, लाइब्रेरी, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल, एल्यूमिनाई, यूजर लॉग, ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, सो दैट कि जो भी ऑडिट ट्रायल के लिस्ट होंगे वो देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे। तो दोस्तों बेसिकली रिपोर्ट्स में कहने का मतलब क्या है कि ऑल द वेरियस रिपोर्ट्स रिलेटेड टू डिफरेंट मॉड्यूल्स, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों फाइनली हमारे पास जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है सिस्टम सेटिंग्स का। तो सिस्टम सेटिंग्स में बेसिकली क्या होता है कि जो आप एसएमएस अपने स्टूडेंट्स को शेयर कर रहे हैं या फिर अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ शेयर करते हैं, जो ईमेल शेयर करते हैं, उसकी कंप्लीट सेटिंग आप यहां पर कर सकते हैं। जो आपके पेमेंट गेटवेज लगे होते हैं कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं, ऑनलाइन फीस रिसीव करना चाहते हैं, तो वो जो पेमेंट गेटवे मॉड्यूल वर्क करता है तो उसकी जो सेटिंग होती है, उनकी जो एपीआईज मैनेज करने होते हैं, या फिर अगर आप अपने कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का एंड्रॉइड एप्लीकेशन मैनेज कर रहे हैं, तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन का जो कंप्लीट सेटअप है वो सारा कुछ आप यहां पर सिस्टम सेटिंग में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और दोस्तों आपको तो पता ही, यहाँ पर हेडर में आप देख सकते हैं कि कैलेंडर का ऑप्शन है। कैलेंडर एंड टू डू लिस्ट में क्या होता है कि आप सारी चीजों को ट्रैक एंड मैनेज कर सकते हैं, डेली, मंथली एक्टिविटीज को, वीकली एक्टिविटीज को, सारा कुछ आपको यहाँ पर कैलेंडर और टू डू लिस्ट में आपको शो करेगा। और इसी तरह से ठीक इसके बगल में एक चैट का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप चैट पे भी क्लिक कर सकते हैं। और चैट के बारे में तो आपको पता ही है, बेसिकली ये टू वे मैसेजिंग सिस्टम होता है जहां पर आप अपने स्टाफ, अपने स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्टली टच में आ सकते हैं। तो दोस्तों इस कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में जितने भी मॉड्यूल्स हैं उसके बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और फाइनली मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप भी कॉलेज रन कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी रन कर रहे हैं, तो आपके कॉलेज के लिए वेबसाइट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, डिजिटल मार्केटिंग का होना बहुत
बहुत ज्यादा जरूरी है, और साथ ही साथ आपके पास एक प्रो लेवल का कॉलेज मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, सो दैट कि आप बच्चों का फीस से रिलेटेड या फिर एकेडमिक से रिलेटेड या फिर अपने कॉलेज से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटीज को प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज कर सकें, प्रॉपर वे में मैनेज कर सकें। तो इसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट जरूर करें, हमारा सारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए सलाम दो और कम प्रणाम सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग कीप स्माइलिंग।